परमेश्वर के दैनिक वचन। सृजनकर्ता के प्रभुत्व के अधीन आओ और शांति से मृत्यु का सामना करो। जिस क्षण किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तब एक एकाकी आत्मा पृथ्वी पर जीवन का अपना अनुभव आरंभ करती है। सृजनकर्ता के अधिकार का अपना अनुभव आरंभ करती है, जिसे सृजनकर्ता ने उसके लिए व्यवस्थित किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये उस व्यक्ति, उस आत्मा के लिए सृजनकर्ता की संप्रभुता का ज्ञान अर्जित करने का और उसके अधिकार को जानने का और उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का सर्वोत्तम अवसर है। लोग सृजनकर्ता द्वारा उनके लिए लागू किए गए भाग्य के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जिसे और किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए, जिसके पास विवेक है, पृथ्वी पर कई दशकों तक जीवन गुजारने के बाद सृजनकर्ता की संप्रभुता को स्वीकार करना और उसके अधिकार को जान जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कई दशकों के अपने जीवन अनुभवों के द्वारा ये समझना बहुत आसान है कि सभी मनुष्यों के भाग्य पूर्व नियत होते हैं, और ये समझना या इस बात का सार निकालना बहुत सरल होना चाहिए कि जीवित होने का अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति जीवन की इन सीखों को आत्मसात करता है, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है कि जीवन कहां से आता है। ये समझने लगता है कि हृदय को सचमुच किसकी आवश्यकता है, कौन उसे जीवन के सही मार्ग पर ले जाएगा, मनुष्य के जीवन का ध्येय और लक्ष्य क्या होना चाहिए। धीरे धीरे वो समझने लगेगा कि यदि वो सृजनकर्ता की आराधना नहीं करता है, यदि वो उसके प्रभुत्व के अधीन नहीं आता है, तो जब मृत्यु का सामना करने का समय आएगा, जब उसकी आत्मा एक बार फिर से सृजनकर्ता का सामना करने वाली होगी, तब उसका हृदय असीमित भय और बेचैनी से भर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में कई दशकों तक जीवित रहा है और फिर भी नहीं जान पाया है कि मानव जीवन कहां से आता है, न ही ये समझ पाया है कि किसकी हथेली में मनुष्य का भाग्य निहित है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो शांति से मृत्यु का सामना नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने जीवन के कई दशकों का अनुभव करने के बाद सृजनकर्ता की संप्रभुता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीवन के अर्थ और मूल्य की सही समझ है। ऐसे व्यक्ति के पास सृजनकर्ता की संप्रभुता के वास्तविक अनुभव और समझ के साथ जीवन के उद्देश्य का गहन ज्ञान है, और उससे भी बढ़कर वो सृजनकर्ता के अधिकार के समक्ष समर्पण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के सृजन का अर्थ समझता है। वो समझता है कि मनुष्य को सृजनकर्ता की आराधना करनी चाहिए, कि जो कुछ भी मनुष्य के पास है वो सृजनकर्ता से आता है, और वो निकट भविष्य में ही किसी दिन उसके पास लौट जाएगा। ऐसा व्यक्ति समझता है कि सृजनकर्ता मनुष्य के जन्म की व्यवस्था करता है और मनुष्य की मृत्यु पर
उसकी संप्रभुता है और जीवन व मृत्यु दोनों सृजनकर्ता के अधिकार द्वारा पूर्व नियत हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति वास्तव में इन बातों को समझ लेता है तो वो शांति से मृत्यु का सामना करने, अपनी सारी सांसारिक संपत्तियों को शांतिपूर्वक छोड़ने और जो होने वाला है उसे खुशी से स्वीकार व समर्पण करने और सृजनकर्ता द्वारा व्यवस्थित जीवन के अंतिम मोड़ का स्वागत करने में सक्षम होगा, न कि आंखें मूंद कर उससे डरेगा और संघर्ष करेगा। यदि कोई जीवन को सृजनकर्ता की संप्रभुता का अनुभव करने के एक अवसर के रूप में देखता है और उसके अधिकार को जानने लगता है, यदि कोई अपने जीवन को सृजित किए गए प्राणी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने और अपने ध्येय को पूरा करने के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखता है, तो जीवन के बारे में उसके पास निश्चित ही सही दृष्टिकोण होगा और वो ऐसा जीवन बिताएगा जिसमें सृजनकर्ता का आशीष और मार्गदर्शन होगा। वो निश्चित रूप से सृजनकर्ता की रोशनी में चलेगा, वो निश्चित रूप से सृजनकर्ता की संप्रभुता को जानेगा, वो निश्चित रूप से उसके प्रभुत्व में आएगा और निश्चित रूप से उसके अद्भुत कर्मों और उसके अधिकार का गवाह बनेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सृजनकर्ता के द्वारा प्रेम पाएगा और स्वीकार किया जाएगा, और केवल ऐसा व्यक्ति ही मृत्यु के प्रति एक शांत दृष्टिकोण रख सकता है और जीवन के अंतिम मोड़ का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से मृत्यु के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता था वो अय्यूब था। अय्यूब जीवन के अंतिम मोड़ को प्रसन्नता से स्वीकार करने की स्थिति में था और अपनी जीवन यात्रा को एक सहज अंत तक पहुंचाने के बाद, जीवन में अपने ध्येय को पूरा करने के बाद वो सृजनकर्ता के पास लौट गया।